मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुन लिया गया है। ये कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि यह एक महिला की जीत नहीं बल्कि उस भावना की जीत है जो हमारे देश की आत्मा में बसा है। थैंक यू इंडिया, उस भावना को जिंदा रखने के लिए। थैंक यू इंडिया, उस इंसान को चुनने के लिए जो वहाँ से आती है, जिस इलाके के नाम भी कई लोग नहीं जानते। थैंक यू इंडिया, उस फाइटर को चुनने के लिए जिनके मजबूत कंधों के ऊपर उनके परिवार को खो देने का दर्द है, फिर भी वो दर्द उनके सेवा भाव को रोक नहीं पाई। थैंक यू इंडिया, रायमपुर की उस टीचर को चुनने के लिए। थैंक यू इंडिया, अपने गांव के उस पहली महिला को चुनने के लिए जिसने अपने स्कूल डिग्री के लिए अपना गांव छोड़ा। थैंक यू इंडिया, कच्ची दीवारों और झोपड़ी से रामपुर तक के सफ़र तय करने वाले मजबूत किरदार को चुनने के लिए, उन लोगों को जवाब देने के लिए कि संविधान किसी के राष्ट्रपति चुने जाने से ही खतरे में आ जाता है। थैंक यू इंडिया, उन खोखले किरदारों को जवाब देने के लिए जिनको राष्ट्रपति का पद एक मूर्ति लगती है। थैंक यू इंडिया, उन बौनों को समझाने के लिए जिनके लिए एक महिला का चुने जाना कमजोरी की निशानी है। थैंक यू इंडिया, रंग भेद को लेकर आग लगाने वाले दुनिया के उन देशों को ये बताने के लिए कि हम रंग से नहीं जीने के ढंग से लोगों की पहचान करते हैं। थैंक यू इंडिया, उनकी भी अंतरात्मा जगाने के लिए जिनकी नींद ही पार्लियामेंट में लगती है। थैंक यू इंडिया, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारे लिए ज़मीन एक टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी है जो हर उस देशवासियों को अपना नेता चुन सकती है जिनमें देश को आगे बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति हो, सहन शक्ति हो। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी हमारे लिए एक सीख है कि जिंदगी चाहे हमें कुछ भी दे, ये हमारा किरदार है जो हमें खड़ा रखता है, जो हमें बड़ा रखता है। वो टूट भी सकती थी, उनके पास वो कारण भी थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और यही वजह है जो हमें उन पर नाज है। इंडिया, हमें तुम पर नाज है। वेलकम मैडम प्रेसिडेंट। जय हिंद।